होते हैं तो एक तो पाकी और नापाकी सबसे इसका अगर मसाइल होते हैं, और फिर दूसरी बात है कि पता नहीं किस किस के कपड़े होते हैं, सब फलाना हाजिर हो अरे आपने याद किया तो आ गए हम तो चले परदेशा। हाँ जी भाई साहब बाबुआ आज तो आपको नहीं छोड़ेंगे हम, इधर इधर रुक जाइए वापस। कैसे हैं आपा? जी कैसे हैं ये आपा? ये वही धोबी हैं जो सब चादर लगे हुए थे। इनका कपड़ा हम धोता हूँ बहुत अच्छे से। आपा कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो? अच्छे से धोते हैं अभी बोलिए, अभी आपको शिकायत करी नहीं। धोबी अच्छे से तो नहीं धोते, बहुत सारे कभी कभी ऐसा था कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी ऐसा था किसी पे कोई निशान पड़ गया। गायब किया कपड़े निकालो आपा। ये देखो ना आप जिस तरीके का काम करते हो उसके निशान कितने मुश्किल से जाते हैं। आप नया कपड़ा खरीद लिया करो। अच्छा पुराना नहीं धुलवाया करो, पुराना धुलवाया नया खरीदा करो। नया खरीद लिया करो। ऐसे ये अपनी साइकिल तो यहाँ छोड़े आप, क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई इधर क्या कर रहे हो? जायदाद है, जायदाद है तुम्हारा, जायदाद यहीं पे रहेगी। एक मिनट, ये साइकिल का स्टैंड का स्टैंड टूट गया। ओहो स्टैंड टूट गया, खड़ा करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि ये कपड़े किसके लेके जा रहे हो? ये कस्टमर लोग का कपड़ा है, ये खड़ी नहीं हो रही है। कहो ये लो इधर, नहीं गिरती यार। कस्टमर लोग का कपड़ा है, ये कहां खड़ा कर दिया उनको बुड़बक? नहीं आप अंदर आइए ना, आप भाई अंदर आइए। काहे वास्ते अंदर आएंगे? मैं जो आपको कह रहा हूँ अंदर। उठिए शाबाश, कटहरे में आए। ये कटहरे में आवाम का कटहरा है, ये आवाम का कटहरा है। जी हाँ, आवाम को आपसे शिकायत है धोबी भैया। हमको आवाम से शिकायत है, आपकी शिकायत भी सुनेंगे। पहले ये बताइए, एक मिसाल बहुत मशहूर है धोबी के बारे में और एक मुहावरा है, वो क्या है? वो क्या है मुहावरा? आप बताइए जी। पहले आप ये बता दीजिए कि आपको शिकायत क्या है? मुझे शिकायत ये है कि मैं कपड़े देती हूँ ना, तो आप क्या ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, हर कपड़े का कलर निकाल देते हैं। दो नंबर कपड़ा खरीदती हूँ अम्मा। मनी है आपको मुझसे? तुम जी क्या कहते हो, रेप्लिका लान खरीदे हो, ओरिजिनल लान नहीं ना खरीदे हो? कलर निकला है, मैं आपको खुद दिखाऊं। 1200 रुपए का लान खरीदोगे तो कपड़ा नहीं निकलेगा, हमारा दूसरा कपड़ा खराब हो जाता है। काटो बात कर रहा है तो कड़ेला होता है, गलत बात कर दिया तुमने। दो नंबर कपड़ा इस्तेमाल करते हो, हमारा कपड़ा खराब हो जाता है, आपका कपड़ा अलग धोना पड़ता है। हमका बहुत आते हैं। क्या कह रही? कपड़े बहुत खो के आते हैं, कपड़े गुम जाते हैं। हाँ गुम जाते हैं, वापस नहीं आते कपड़े। हाँ भाई जो चला गया वो चला गया, जिंदगी में तो जाने की चीज है ना, जिंदगी चली जाएगी तो फिर रहोगे? चली गई, आ नहीं रही है, हर चीज जाने वाली है। शिकायत ये कि ये इनके बच्चे जो है वो हमारे बेटे के कपड़े पहन लेते हैं। जी हाँ ये करते हैं, एक जगह इनके बच्चे आपके बेटे के कपड़े पहनते हैं? जी हाँ, धोने के बहाने लेके जाते हैं कि धोके लाएंगे, धोते नहीं है, वक्त देते और उनका बेटा पहन पहन के जाता है तकरीबात में। यार ये कैसी बेशर्मी वाली बात है, बेशर्मी की बात है। कपड़े धोने के लिए देते वो तुम्हारे बच्चे पहन के? हाँ इनका बेटा पहन के जाता है। एक दफा मेरे बेटे ने देख लिया तो कह रहे नहीं जी तो मेरे कपड़े आप खुद धोबी होंगे, मैं तो जी बड़ी ऊंची जगह पे रहता हूँ। अल्लाह ये किस शराफत है जी? आपको क्या है? मुझे भाई शिकायत है, आप वापस कर देता हूँ, इसमें बुरी बात कहा है। और वैसे भी आजकल सारे होस्ट जो देखो दूसरों के कपड़े तो पहन कर आ रहे हैं, सारे होस्ट वो कहता है इसका कपड़ा है, कोई उसका कपड़ा है, हमने पहन लिया तो कयामत आ गई। वाह ये बात तो की सही है। मुझे ये शिकायत है कि ये जब भी कपड़े धोते हैं ना बटन तोड़ देते हैं, फिर जब ये कपड़े पहनते हैं तो रोजाना मुझे शोर करते हैं, बटन नहीं लगा। घर में यार कहा हमको बुलाते हो, स्वस्थ नहीं हो रहा, बटन क्यों तोड़ते हो? हमको बुला लेते हो। शोर हजरात यदि बेगमों से लड़ते हैं कि बटन टूटा हुआ होता है, क्यों तोड़ते हो बटन? आप शहर से ही पूछो ना, वो बैठा हुआ वो बहुत हाथ हिला रहा है, उसका पकड़ो। भाई साहब आपसे शिकायत ये है कि एक तो आप कच्चे रंग के कपड़े और दूसरे कपड़े जो पक्के रंग के एक साथ धो देते हैं, तो कच्चे रंग जो है कपड़ों का होता है वो पक्के रंग वालों पे आ जाता है। दूसरा स्टार्च के नाम पे कौन सा ऐसा केमिकल लगाते हो दोस्त के कपड़े का फैब्रिक कितना ही अच्छा हो कॉलर और कफ के पास से गल जाता है। हाँ बिल्कुल सही, वो देखो ऊ का मजे है कॉलर के पास से कितना गंदा करके लाते हो, इतना गंदा करके मत लाया करो, ये कहां कर दो, गुद्दी के ऊपर सफाई करवाया करो ना। और दूसरा यह, हमारे दादा ने PhD किया था, कौन कपड़ा कच्चा है कौन कपड़ा पक्का है, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, हमको कहां पता बबुआ जी? करीब कीजिएगा भाई। आपसे मुझे दो शिकायतें, एक तो आपने जो है इतना परेशान किया हुआ है, मैं तो अपने हशौर की शलवारों के साथ खरीद खरीद के तंग आ गई हूँ, जब देखो सारबन चोरी कर लेते हैं। तमाशा क्या बना रखा है आपने? क्या कर रहा है? कौन चोर है? नहीं चाहते पानी ला देते चादरे, देखा जेब में कितने सारे सारबन जमा करके रखे हुए हैं आपने, क्या करेंगे इतने सारबन का कारोबार करने के? सारबन जमा करने का होता ना, उसके लिए रस्सी चाहिए होती है। हाँ और फांसी का फंदा भी बात करना चाहता है, हजार बंद का क्या करेंगे, एक हजार बंद खरीद लिया तो देखो कयामत आ जाएगी।
मोटरसाइकिल की भी सुन लो भाई, चोरी कर लेते हैं, कहते दूसरों का कपड़े पहन लो, दो दो तीन तीन शलवारें ला के दे देते हैं ये पहन लो, किसी के जोड़ मिला देते हैं, किसी का उल्टा सीधा कपड़ा ला के दे देते हैं, ये रख ले आप। आपको क्या लगता है सलवारें का पेड़ के ऊपर उगती है, ठीक ही ला देते हैं, ऊकी ला देते हैं, भाई आपको दे देते हैं चॉइस ऑफ ऑप्शन, चूज कर लो जो लगे वो लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, एक तो हम चॉइस दे रहे हैं, एक बात करती है लड़ी, बात सुनो बात सुनो, ये तुम जिस तरह से बात कर रहे हो ये आवाम को इतनी आंखें क्यों दिखा रहे हो? हाँ क्यों दिखाते हो आंखें? आंखें बचपन से ही ऐसी हैं, ऐसी हैं बचपन से ही ऐसी हैं। जब हमारे पास सियासतदान हैं आंखें दिखाने के लिए, तुम क्यों दिखाते हो? आंखें नीचे करो, बंद करो। नहीं बचपन से ऐसी हैं, कैसा करें, कहां हो जाए, कहां करें, आंखें ही ऐसी हैं, आंखें ही ऐसी हैं ना, बचपन से ऐसी हैं जो टुकुर टुकुर। हाँ जी आपके कहना चाह रहे हैं, जी साहब आप बताइए। ये जितने भी कपड़े आपको दिए जाते हैं जोड़ों के हिसाब से, लेकिन उसमें जो ना मुख्तलिफ कमीज के साथ मुख्तलिफ शलवार होती है, पैंट के साथ मुख्तलिफ शर्ट होती है, ऐसा क्यों? एक्चुअली आपका फैशन खराब है, नहीं खड़ा होकर सही मत कीजिएगा। उसमें कहा होता है हमको जो लगता है ना ई पॉइंट के साथ ई वाली शर्ट जानी चाहिए, हम वो देते हैं। करीब करके बोलिए जी, चॉइस आपकी जो है वो करेक्ट नहीं है। अब इनकी सुने, मैंने अपने पापा के कपड़े दिए, आपने उसको चूहे को खिला दिए। चूहे को खिला दिए कपड़े तुमने? आज तीन उसके चूहे को खिला दिया आपने। बोलो हमने बहाना किया होगा ना, चूहे को खा लिया वो चला गया होगा, यहाँ वहाँ हो जाता है, अक्सर हो जाता है, गरीब आदमी है, भूल चूक हो जाता है, भूल कोई खुश नहीं है, कोई होता है ना लूटो में भूल चूक, वो भी तुमसे कोई खुश नहीं है। यार तुमने सारे जो है ना कपड़े मेरे चेंज कर दिए, किसी के शलवार चेंज, किसी की कमीज चेंज, ये क्यों किया तुमने? किसी की शलवार चेंज, किसी की कमीज चेंज क्यों किया इनके साथ ही तुमने? ओ भाई एक ही सवाल को बार बार ले लेकर आ रहे हो, क्या करें तुम्हारे सलवार, एक मिनट रुको, हमको पता है तुम्हारा, तुम फ्लैट नंबर से बाहर जा रहे हो ना, तुम्हारा सलवार अभी नहीं है, रुको। हां मिल गई, ये कपड़े जो है ज्यादातर फाड़ के लिए आते हैं, नए नए कपड़े फाड़ देते हैं, उनके बटन तोड़ देते हैं। दोबारा बोलिए भाई, तुम्हार सलवार मिल गई, हेलो ये तुम्हार सलवार मिल गई है, ये लो भाई सलवार दे दो, सलवार लीजिए, ले जा रहे हैं भाई साहब, भाई रख के भाई साहब ये लीजिए, ये आपकी सलवार, अरे यही है, इतना गंदा करके दिया हो, देखो ये सलवार को तुमने पटका बनाया हुआ था, हम भूल गए थे, हमने रखी थी, इनको देनी है, हम रख के भूल गए, बाद में पता चला। तो इन्होंने सलवार तो वापस कर दी, जो कपड़े फाड़ दिए वो कहां से सी के देंगे? ये अभी आया हो ना शो के अंदर, अभी दो चार सवाल करेंगे, नए कपड़े मिलेंगे ना। आपको ये कहना है सर, ये धोबी जो ना टाइम पे कपड़े नहीं देते, ये सबसे बड़ी शिकायत है मुझे। क्या करते हैं? टाइम पे कपड़े नहीं देते, वक्त पे कपड़े क्यों नहीं देते भाई? वक्त दो दिन का बोलते, दो दिन का बोलते और छह दिन बाद आते हैं कपड़े, वक्त पे कैसे देंगे भाई साहब? कहते हैं कि मुझको तहज्जुद पढ़नी है, नए कपड़े लेकर आओ, अब तहज्जुद के टाइम पे इनको कपड़े कहां से ला के दें? आपके कह रहे हैं धोबी से मुझे ये शिकायत है कि इनको जब भी कपड़े दें वो इतना पटक पटक के कपड़ों को मारते हैं कि उसमें होल हो जाते हैं। क्यों पटकते इतनी जोर जोर का? उसके अंदर इतना माइल जो होता है आंटी, वो माइल इतना गंदा करके नहीं दोगे हम नहीं पटकेंगे, हमको शौक है इतनी एक्सरसाइज करने का। अच्छा एक एक सवाल आपके लिए मेरे पास ये है कि सुनने में आया है कि जो कपड़े पहनने के लिए नहीं होते धोने के लिए आपको मिलते हैं, और अगर कोई कीमती या अच्छे वाला जोड़ा हो या तो आप उसको गायब कर देते हो या शादियों पर पहन के जाते हो, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। नहीं होता है, होता है, तालियां बजाए पता चले होता है, क्यों पहन के शादी, बहुत ही गलत बात है भाई, कीमती कपड़ा नहीं है। देखो इश्तियाक भाई का जोड़ा है, ये देखो लिखा हुआ है उनका नंबर, हम ये पहन कर आए आज, तो हमको शो में आना था, हम नॉर्मल कपड़े भी पहन लेते हैं। आसिफ भाई को भी शिकायत है, आसिफ भाई आप क्या शिकायत करेंगे? ये दलील मैं खुद दूंगा, बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे एक दोस्त है उनके पास कपड़े आते हैं धुलने और प्रेस होने के लिए, तो वो फिर लोगों के कपड़े पहन के जो है ना, अल्लाह अकबर, गवाह गवाह देखे, गवाह मिल गया, गवाह होता है, बेशर्म आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऐनी शायद हूँ इस चीज का, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी? ये देखे आपका एक्सपीरियंस, कभी ऐसा हो कि अबाया धुलने के लिए आपने दिया और वापस नहीं आया? नहीं अबाया तो अबाया पहन के हम कभी नहीं भागे, अबाया ये नहीं पहनेंगे इसलिए मैं देती नहीं। दूसरे कपड़े कॉटन के दिए जाते हैं तो उसको इतना कलर लगा देते हैं कि जहाँ तहें होती है वहीं से कपड़ा निकल जाता है। बिल्कुल। अच्छा अगर कोई कपड़ा फट जाए तो मालिक को जवाब क्या देते हो? मालिक को जवाब क्या देते हो अगर कपड़ा फट जाए तो? मालिक को जवाब क्या देते हैं? हम 15 दिन लेट कर देते हैं, वो कहता है जितना आया उतना ही काफी, हम सारा कपड़ा लेट कर देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? जिक्र आपने शुरू में किया था उस कहावत का कर देता हूँ, धोबी का कुत्ता कहावत है क्या? अच्छा ये एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर ज्यादा मैला कपड़ा आ जाए तो क्या करते हो? वापस कर देते हैं, बोलते हैं कहा गंदे आदमी, हमको गंदा आदमी है, इतना गंदा कपड़ा धोएंगे?
घर पर धुलवा अपने जोरू से वापस करो। बहुत से लोग मिलते मैले कपड़े वाले, बहुत। अरे मैले कपड़े वाले कम मिलते हैं, मैले ज्यादा मिलते हैं। लोग मैले होते हैं। अरे इंतहाई मैले लोग होते हैं भाई, क्या करते हैं, लड़ने लग जाते हैं, कहता बटन निकल गया। अरे भाई बीवी से बटन लगवाओ, ऐसे कमीज पहन के रोमांटिक तरीके से और अच्छा लगेगा। बटन निकल गया, हम तो जानबूझ के हमको उनकी जोरू कहती है भैया बटन निकाल दो। जी जी जी, एक और आखिरी सवाल लेंगे, अभी ब्रेक पे जाएंगे। आप तो आप पेन और पेपर पकड़ के रही, हिसाब करना चाह रही हैं। बात ये है कि आपने कटहरे में खड़ा कर दिया धोबी को, सारी ऑडियंस से सवाल करिए, कोई वकीले सफाई नहीं है इनका। नहीं है। मैं इनकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि जानकर धोबी मुझे नजरे ना कतराया कर, जानकर धोबी मुझे नजरे ना कतराया कर, अपने कपड़ों पे लगे दागों पे शर्माया कर। ओ लालिया, और मैं जो ना हूँ, मैं जो ना हूँ तो ताफुन से रुकेंगी सांसें, शुक्रिया मेरा अदा कर नयो इतराया कर। ओह बहुत सी तालियां, ऑडियंस में से आपके हमायती भी मिल गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूर रमजान। हमारी शादी हो गई है, अल्लाह अकबर, आपकी तारीफ कर दी तो रिश्ता, रिश्ते की बात सोच रहे हैं आप, हम शर्म कीजिए, आप बेशर्म भी होते हैं। तो धोबी को कहा तुम पीएचडी समझो। अल्लाह, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं आपके पास, आओ जरा तुम मेरे साथ।